अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। तो गाइस, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है ना वो आपको मिल सकें। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज एक ट्रिप है आउट ऑफ सिटी का, वाया मोटरवे, सियालकोट मोटरवे। और आज एक बंदे से मुलाकात करनी है लाहौर में, कुछ सब्सक्राइबर हैं उनसे मुलाकात करनी है, और मलक साहब भी लाहौर आ रहे हैं और मलक साहब से भी मुलाकात करनी है, अली मलक साहब जो कि आप सब लोग जानते हैं। आज उनका एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए जो है ना आज सुबह सुबह हम लोग जो है ना वो निकले हैं सियालकोट से। तो अभी जा रहे हैं, ये जो क्लेम ऑफ मतलब जो फेम इनका है, जो क्लेम करते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाया, तो क्लेम भाई बिल्कुल ठीक है मोटरवे का फ़ायदा तो है, ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये हमारे पैसों से बना हुआ है, किसी ने अपनी जेब से नहीं बनाया ये, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे बेनज़ीर हो, ये बना हम 26 करोड़ पाकिस्तानियों की जेबें काट काट के हैं। तो इसलिए मेरे भाई इसको क्लेम ये ना करें कि हमने बड़ा ही जो है ना आपको कोई बना के दे दिया। और इस मोटरवे के बारे में वो एक इंडियन सॉरी पंजाबी सिंगर है गिप्पी गिरेवाल, वो पिछले दिनों पाकिस्तान आया हुआ था, तो वो कह रहा था, और ये बात बिल्कुल सही है कि कैनेडियन मोटरवे से अच्छा मोटरवे है पाकिस्तान का, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो मोटरवे हैं उनसे, मैं इस मोटरवे को मैं आपको बताता हूँ, यूरोप के बहुत ज़्यादा मोटरवे हैं जिनसे ये बहुत अच्छा है, ये वाला पाकिस्तान वाला मोटरवे जो है। तो आपको दिखाते हैं, ज़रा कैमरा आगे की तरफ करें ना, ज़रा दिखाएँ। ये रहा जनाब सियालकोट टू लाहौर मोटरवे जो है, ये इतना मतलब खुला नहीं है, दो ही रोड है, लेकिन आगे जाके जब आप इंटरचेंज पे होते हैं चेंज, तो तीन लेन भी हैं और चार लेन भी हैं इस मोटरवे के ऊपर। तो ये है जनाब उनका क्लेम कि मोटरवे हमने बनाया। तो चलते हैं अभी लाहौर, नेक्स्ट शॉट आपको जो है ना रस्ते में अगर कुछ हुआ अच्छा शॉट तो आपको दिखाते हैं, वरना नेक्स्ट शॉट आपको जो है ना वो मलक साहब का इंटरव्यू ही नजर आएगा। चले करते हैं आपसे बात। ये है हमारा मोटरवे, और इस मोटरवे के ऊपर बहुत सारी जगह के ऊपर, अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाए ना, तो बहुत सारी जगह के ऊपर जो है ना वो हमारे फाइटर जेट उतारने के लिए स्पेशल जो है ना वो बने हुए हैं। फिर वो जब इस तरह के हालात होते हैं, ये सेंटर वाली जो दीवार है ये हटा के, तो मोटरवे के ऊपर जो है ना वो फाइटर जेट भी उतारते हैं। इस्लामाबाद टू लाहौर जो मोटरवे है ना, उसके ऊपर बहुत जगह के ऊपर इस तरह के सीन हैं जहाँ पे फाइटर जेट भी जो है ना मोटरवे पे उतर जाता है आराम से। माशाल्लाह से पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो दुनिया में माने हुए हैं। तो ये जनाब हम लोग अभी मोटरवे पे अपने सफ़र के लिए रवा दमा हैं। मैंने कहा आपको दिखा देते हैं, ये है हमारा पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। साइड में हरियाली, हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं आपको, ये है साड़ा सोना पंजाब। अभी चूँकि हम पंजाब में ही हैं और रहेंगे भी पंजाब में, क्योंकि सूबा तो चेंज हम करने नहीं लगे, तो पंजाब में ही रहेंगे। तो मैंने कहा चले ज़रा आपको पंजाब की, ये साइड पे सरसों लगी हुई है, वही DDL जे दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, ले जाएंगे कि छोड़ जाएंगे ये नहीं अब पता। बहरहाल सरसों ऐसी किसी तरह की है। पहुंच गए मलक साहब के पास, और मलक साहब हम लोग लाहौर में एक जगह में बैठे हुए हैं, और मलक साहब पाकिस्तान आ गए हैं, और मलक साहब की दास्तान दुखी वही जो थी। और अभी जो है ना वो बात ये है कि मैं आज मलक साहब से मिला इसलिए हूँ, मलक साहब ने पाकिस्तान आके, मलक साहब के बड़े भाई जो है वो डॉक्टर है, PhD डॉक्टर है चाइना से, और मलक साहब लोगों ने यहाँ पे कंसल्टेंसी शुरू की हुई है चाइना के लिए और यूरोप के लिए स्टूडेंट्स बेस के ऊपर। मलक साहब बाकी आपको मलक साहब भी बताते हैं, इन्हीं की जबानी सुनते हैं। जी मलक साहब जी, तो हमारी भाई जी कंसल्टेंसी फर्म है वो ये तकरीबन कोई पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, स्पेशली ये डील करते हैं चाइनीज स्कॉलरशिप को, चाइनीज स्कॉलरशिप इन केस ऑफ बैचलर्स, मास्टर्स और PhD, इवन के मैट्रिक पास स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी चाइना में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, और उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ओके, चाइना एक जो है वो सस्ता और कह लें कि टिकाऊ माल, हाँ
और इन फ्यूचर चाइना के इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे आ रहा है। तो ये चाइना में कर रहे थे पिछले 5-6 सालों से, इनके काफी कुछ फेसबुक पेज पे प्राइवेटली सिस्टम इनका चल रहा था, बट अभी 1-2 साल से इन्होंने तकरीबन शुरू किया हुआ, यूरोप को डील कर रहे हैं, कैनेडा, अमेरिका और साथ में ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी डील कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये है यूरोप में स्टडी वीजा और स्किल इमिग्रेशन के रिलेटेड भी है, लर्न टू अर्न कंसल्टेंट्स के नाम से है, जिसमें LTE कंसल्टेंट्स शॉर्ट में बोलते हैं, L2EC.com, ये वेबसाइट आपको नीचे शो भी हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा, और उसके साथ फेसबुक पेज भी है ऑफिशियल, जिस पे आप हमारे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कंसल्टेंसी के रिलेटेड लेना हो उस पे ले सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये बेल्जियम का स्टूडेंट वीजा भी प्रोसीड करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई किसी भाई ने या कोई लड़की है, कोई सिस्टर है, उन्होंने अपना बेल्जियम के लिए अप्लाई करना है स्टूडेंट वीजा, तो प्रॉपर उनका केस वगैरह जो है वो सारा तैयार करते हैं, कंसल्ट करते हैं उसके हवाले से। अगर कोई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद भी कर रहे हैं, खुद करते हैं तो बेहतर है, मैं इधर बैठ के ये बात बोल रहा हूँ, खुद करते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई खुद नहीं कर सकता, उसका केस रिफ्यूज हो गया, उसके लेटर ऑफ मोटिवेशन में कोई प्रॉब्लम थी या कोई इस तरह की चीज थी, तो वो इनके साथ भी रब्ता कर ले, ये उनका बेल्जियम का स्टूडेंट वीजा भी प्रॉपर प्रोसीड करे, क्योंकि मलिक ने आगे 3 दफा तो ले चुका है ये खुद, अब तो बेल्जियम वैसी समझ लें वो घर की मुर्गी दाल बराबर इसके लिए, इस तरह का सिस्टम है, तो बेल्जियम का वीजा भी इजीली प्रोसीड करवा देते हैं। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है बेल्जियम का, उसके अलावा लग्जमबर्ग है और अदर जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको हमारे फेसबुक पेज पे facebook.com/l2ec और हमारी वेबसाइट पे, और इनके दोनों के जो है ना वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी आप मुझे मकसद दे दीजिएगा और फेसबुक पेज का भी जो लिंक है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में डाल दें, और डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना वो आप इनको कर सकते हैं, बीच में मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहे हो कि यार उनका कांटेक्ट, इनका कांटेक्ट नंबर और बड़े भाई का जो कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो ऑफिशियल है वो भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और करें मेरे हिसाब से बेहतरीन है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जिस तरह से हैं और पाकिस्तान जिस तरफ जा भी रहा है, इस मुल्क से तो भागने ही अब जो है वो बेहतरी है, हमारा मुल्क है कहना अफसोस के साथ पड़ता है, लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदा अपनी फैमिली को जाहिर बात है वो सपोर्ट करना चाहता है, मामलात हैं उसके अपने, तो उसके लिए पाकिस्तान में रह के सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप बाहर निकलें अपने कंट्री से, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें और अपनी फैमिली के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करें। क्यों मलिक साहब? अच्छा, इसमें एक चीज़ इसी, ये भी आपकी बात ठीक है, इसमें मैं एक और पॉइंट साथ में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने बेस पे अपने लिए ट्राई कर रहा था बेल्जियम के लिए, तो मेरा भी मोस्टली प्रोसेस मेरे ब्रदर ने ही किया था, आपका भी आपके भाई, मेरा भी मेरे भाई ने किया था, ठीक हो गया कि इस तरह बिकॉज वो इस फील्ड में थे, उन्हें पता था किस तरह होता है, और उससे भाई से डिस्कस करने से पहले मैं सेल्फ पे काफी कंसल्टेंट्स के पास गया, एंड दे वर लाइक इतने पैसे मिल दो और आपको ये मिल जाएगा, और मैंने भाई से डिस्कशन करने से पहले, क्योंकि डिसीजन खुद ही लिया, पैसे थे जेब में मैंने दे दिए, और उस कंसल्टेंट्स ने मुझे कोई डमी यूनिवर्सिटी का एडमिशन बना के मुझसे ऑलमोस्ट उस टाइम के 2020 की बात है, 2021 की बात है, तकरीबन कोई 50-60,000 उसने 50,000 उसने ले लिया, 25,000 पहले लिया, 25,000 अगर एडमिशन होगा तो आपने देना है, ले लिए, और वो एडमिशन डमी था, मैंने यूनिवर्सिटी को खुद पर्सनली ईमेल किया, उन्होंने बोला कि ये तो आपका जो है वो ईमेल ही नहीं है, और दूसरा ये आपका एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं है, तो कंसल्टेंट्स इस तरह, मतलब कंसल्टेंट नाम का जो लफ्ज़ है ना, जो मैंने फील किया, ये किस्म का धब्बा है, दाग है, लोग इसे समझते नहीं भाई कंसल्टेंट, इन्हें पैसे कोट लाने, बिल्कुल ये पैसे लेके भाग जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, उसका हल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि जैसे भाई काम करते हैं, हम जिस तरह काम करते हैं उसमें ये है कि हमारी कंपनी SCCP से रजिस्टर्ड है, FBR से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड हम काम कर रहे हैं, जब आपकी हमारी डील होती है तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आपका और हमारा कंपनी के लेटर हेड पे, जिसमें पार्टी है आपका नाम, पार्टी भी हमारा नाम, बिल्कुल, इवन के चाइनीज स्कॉलरशिप्स में तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, अभी रिसेंटली एक MBBS की अपॉर्चुनिटी आई हुई है, फुली फंडेड पाकिस्तान में 1.5-2 करोड़ का MBBS होता है प्राइवेट, बिल्कुल ऐसा ही है, अब चाइना में आप MBBS कर रहे हो, 5 साल की डिग्री कर रहे हो, आपको महीने का 1500-1700 RMB आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसके साथ साथ आपकी स्टडी भी फ्री, आपका रहन सहन भी फ्री, आपने सिर्फ जाके पढ़ना है और आपके खाने पीने के और आपकी थोड़ी सी सेविंग के आपको पैसे मिल रहे हैं, 500 से 800 आपका बहुत ज्यादा खर्चा आता है खाने पीने का,
आप महीने का 1,000-1,200 सेव करें, एक साल सेव करें, आपकी वो रिटर्न टिकट भी निकल आती है। बिल्कुल ऐसी है। और ये चाइना में एक्सपर्टीज इनकी इसलिए है क्योंकि जो मलिक साहब के बड़े भाई हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ, डॉक्टर साहब, वो उन्होंने चाइना से PhD किया हुआ, ठीक है, वो चाइना से PhD किया हुआ उन्होंने, और वो चाइना के बारे में ऐसे ही जानते हैं जैसे मैं बेल्जियम के बारे में जानता हूँ। मास्टर्स भी उनका चाइना से, उनका मास्टर्स भी चाइना से, उन्हें तकरीबन 12 साल चाइना में रहे हैं। ओके, तो मैं जो है ना वो ये सारा कुछ, क्योंकि बातें करने को आएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, बिलॉन्ग भी बहुत लंबा हो जाना, मैं इनकी कंपनी का जो है ना वो वेबसाइट का लिंक और इनका फेसबुक का लिंक और इनका जो व्हाट्सअप का नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप लोग करें, आप लोगों को जो है ना वो फायदा होगा। गारंटी, अच्छा लोग मैं बाद में गारंटी में आ गया भाई, गारंटी मैं हूँ, ठीक है, इस कंपनी की गारंटी मैं खुद हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है इस कंपनी की, क्योंकि घर का घर की तरह है मामला, तो इस कंपनी की गारंटी मैं खुद ही हूँ। अगर कोई करवाना चाहता है तो वो ज़रूर जो है ना वो करवाए, अगर किसी भी सिटी से या कोई यहाँ पर आके कुछ साइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मामला ये तो वैसे तो मलिक साहब फैसलाबाद से हैं, ठीक है, अभी हम लोग जो है ना वो लाहौर में बैठे हैं, तो अगर ये फैसलाबाद से भी हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन भी सेल ऑनलाइन भी हो सकते हैं, सारा मामला आप ऑनलाइन भी इनसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, अपना केस इनको भेज दें, आपका केस प्रिपेयर करके ये आपको देंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ये आपको बता देंगे वहाँ पर इंटरव्यू में क्या कहना है, जो भी है सारा कुछ वो, ये आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन या जो कुछ भी आपका है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, वो ये लोग आपके लिए कर देंगे और इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो ये था जनाब मलिक साहब का एक इंटरव्यू, और मलिक साहब आजकल फैसलाबाद में, मलिक साहब फैसलाबाद क्या करते हो? फैसलाबाद आजकल यही रूटीन चल रही है, कंसल्टेंसी और दूसरे कुछ अदर बिजनेसेस और अदर काम हैं जो इन प्रोग्रेस है। मलिक साहब बेल्जियम आने का कोई वापस प्रोग्राम है आपका? बेल्जियम का याद आता है? बेल्जियम के नहीं, याद तो बहुत आता है, याद आता है याद तो बहुत आता है, अभी प्लान एज सच है नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर हो जाए, क्योंकि अभी वो वाले चक्कर तो नहीं है कि ये करेंगे। अब सभी प्रोसेस अगर दिल भी करता है तो बड़ा ट्रांसपेरेंट से सामने नजर आता है, क्योंकि पता है कौन सी चीज कैसे करनी है। और मैं एक और चीज यहाँ कवर करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं वो पॉइंट थोड़ा सा कम्प्लीट करूंगा, मैं इस दर्द से गुजरा हूँ कि कंसल्टेंट्स क्या काम करते हैं। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे मोस्टली 80% जो भी क्लाइंट्स हैं वो है अदर सिटीज से, कोई पिशावर से है, कोई खुशाब से है, कोई मुल्तान से है, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है हमारे जूम के थ्रू, इवेल्युएशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, हम आपको ये प्रिपेयर करते हैं आपकी वीज़ा फाइल प्रिपेयर करने के लिए। हमारे पास बहुत क्यूरीज आती हैं कि फलाने मुल्क का वीज़ा चाहिए, मिल जाएगा वीज़ा? हम नहीं देते, हमारे पास, मेरे पास स्टिकर हो, मैं आपको दूं पासपोर्ट, स्टिकर लगा के देता हूं, वीजा लो जाओ, वीजा देना एम्बेसी ने, लेकिन हमने काम करना है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन का। वो मैं आसान लफ्जों में बता दूंगा आपको, मलिक साहब इतनी पढ़ी लिखी बातें करनी शुरू हो गया, मलिक साहब जड़ के तरीके ना समझाओ हम। सर ये आपका केस ऐसा रेडी करेंगे, वो केस जब आपका एम्बेसी में जाएगा तो उस केस के ऊपर अगर आपके वैसे वीजा लगने के चांस 50-60% है तो मलिक साहब उन्हीं चांसेस को 98% पे ले जाएंगे। समझ आ गई? आपके डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से ये लोग तैयार करते हैं कि आपकी वीजा लगने में आसानी हो जाए। वीजा एम्बेसी ने देना है, वीजा ना मलिक साहब ने देना है, ना मलिक साहब के भाई ने देना, ना मैंने देना, वीजा एम्बेसी ने देना। ये आपको वैसा केस तैयार करके देंगे जिसको देख के एम्बेसी को पता लगेगा, हाँ यार ये बच्चा वाकई स्टूडेंट है, ये प्रोफेशनल है कोई, और ये इसने केस जो तैयार किया वो उसको थोड़े पता है आपने मलिक साहब से केस तैयार करवाया, ठीक है, वो देखेगा, वो कहेगा हाँ यार इसका केस जबरदस्त है, और वो उसके ऊपर आपका जो है ना आगे से वीजा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये है मलिक साहब के कहने का मतलब जड़ के तरीके से। बिल्कुल, मलिक साहब इतनी बड़ी इनकी बातें करते हो, मलिक साहब आवाम मैसेज है, साड़ी शादी आवाम है, ठीक है, तो कर दो दिल खोल के ट्राई जनाब, तुम ना डरो डरो ना, जो बच्चा भी बाहर जाना चाहता है वो ईजी है, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है, आप आपके दिमाग में अगर है मैं जाना चाहता हूँ तो उसके ऊपर जो है ना वो अपने दिमाग के ऊपर उसी लाइन को आप टो करें और प्रॉपर जो है ना वो एक मतलब ना पक्का इरादा बना के अप्लाई करें, बाकी आगे रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कोशिश करना। कुरान करीम में वो इतना लई सा इंसान ही इल्ला मा सा, मेरे बंदे जितनी तो कोशिश करेगा हम तुझे उतना देंगे, कोशिश करना आपके बस में है और देना वो मेरे अल्लाह ने, और अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर, वो हर चीज के ऊपर कादर है, ठीक है ना।
आप और मैं इस बाप के मोहताज हैं, अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने बिन बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पैदा किया। चले वो तो फिर है ना, औरत मौजूद थी तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, माई मरियम तो थी। अल्लाह तबारक तआला ने ना बाप था ना माँ थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। ठीक है, तो ये अल्लाह हर चीज के ऊपर का, अगर आपका काम है कोशिश करना, कोशिश करें और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। और सही इरादे से आपने, प्रॉपर इरादा आपका ठीक है, आप एक जहन बना के निकले होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो ये था गाजी मलिक साहब का इंटरव्यू, और अब हम लोग निकलने लगे हैं वापस। तो रास्ते में जाते थे भी आपको रात का जरा मुरबे का नज़ारा कराएंगे, तो बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो चले आपसे फिर करते हैं वापस मोटरवे पे चल के बात। जी तो ये है रात का सीन मोटरवे का, और अब यहाँ पे आपको एक बात बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ऑन कर लिया अभी। अभी ये जो साइड पे गाड़ियाँ चल रही हैं ना, दूसरे पे, मतलब वो जो उस साइड वाला रास्ता, उस पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उन सब ने अपने डिपर उठाए होते हैं, मतलब हैवी बीम ऑन की होती है और चला रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो नाइट की ड्राइव है ना, मतलब हमारे जैसे मुल्कों के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इन मुल्कों के अंदर ड्राइविंग सेंस तो लोगों को है नहीं है, ठीक है। तो जो रात की ड्राइविंग है ना, वो तकरीबन 60% जो है ना वो रिस्क होता है, और 40% आपको पता होता है कि सामने रोड है अभी, ठीक है ना। तो इसी तरह ही वो देखें आप, इसमें आगे आपको आम नज़र आएगा, ठीक है। तो बस यही है, अभी हम जा रहे हैं वापस सियालकोट, और वापस पहुँच जाए खैर वाफिया से। तो फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं सियालकोट पहुंच के। आज नेक्स्ट डे है, रात को हम लोग वापस आ गए, और आज सियालकोट में बसंत है, और बसंत पता नहीं मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गई है, और पतंगे स्तंगे तो नहीं इतनी चढ़ रही, ये देख लें पीछे, कोई इतनी बसंत बसंत नहीं है। तो ये था गाइस ब्लॉग, बसंत कैंसिल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।